नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला बाप न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। बरेली के बहेड़ी में एक परिवार दबंगों से प्रताड़ित होकर पलायन की तैयारी में। दो दिन पीड़ित परिवार को दबंगों ने उन्हीं के घर में जबरन नजर बंद रखा। किसी तरह से गांव से निकलकर आज बहेड़ी कोतवाली में जाकर पुलिस से सुरक्षा की गुहार लगाई। दरअसल बरेली के तहसील बहेड़ी के भूड़ा बहादुरपुर में शेर सिंह अपने परिवार के साथ रहता है। शेर सिंह का आरोप है कि गांव का रहने वाला अंकित गंगवार और उसके पिता ने उसकी परचून की दुकान से सामान उधार ले रखा था। जिसके रुपए अंकित से मांगने पर अंकित ने अपने पिता और अन्य लोगों के साथ मिलकर उसके घर में घुसकर मारपीट शुरू कर दी। उसे बचाने आए बेटा और बेटी को भी बुरी तरह से मारा। किसी तरह डायल 112 पर फोन किया तो पुलिस मौके पर आ गई, जिसे देखकर आरोपी फरार हो गए। पुलिस के जाने के बाद उन लोगों ने फिर से हमें मारा पीटा और दो दिन तक हमारे घर में नजर बंद करके रखा और धमकी देते हैं कि जो भी घर से बाहर निकला उसे जान से मार देंगे। किसी तरह से आज छुपकर गांव से निकलकर बहेड़ी सीओ ऑफिस पर पहुंचे, लेकिन रविवार होने के कारण सीओ बहेड़ी नहीं मिल सके, जिसके बाद तहरीर लिखवा कर बहेड़ी कोतवाली आकर पुलिस को दे दी। पुलिस ने शेर सिंह को जल्द कार्रवाई का आश्वासन दिया है। वहीं शेर सिंह का कहना है कि पुलिस से आज हमने अपने परिवार की सुरक्षा की मांग की है, यदि पुलिस हमें सुरक्षा नहीं देती तो हम लोग गांव छोड़कर कहीं और चले जाएंगे, क्योंकि वो लोग दबंग किस्म के लोग हैं और हम जीना चाहते हैं।